कोरबा में गोढ़ी गांव के ग्रामीण राख से परेशान हैं। मामले की शिकायत और प्रदर्शन पर एसडीएम ने ली मौके पर पहुंचकर जानकारी। छत्तीसगढ़ राज्य पावर जनरेशन कंपनी के पावर प्लांट से राखड़ पाइप के माध्यम से डैम में पहुंचता है। गर्मी में हवा चलने के साथ राखड़ उड़ने से कई समस्याएं हो रही हैं। पंडीपानी और गोढ़ी के लोग इससे परेशान हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर आंदोलन की धमकी दी है। एसडीएम पैकरा मौके पर पहुंचे और लोगों से चर्चा की और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं जैसे उच्च अधिकारी से जो आदेश मिला था उसमें ये था कि ग्राम पंडीपानी अंतर्गत ग्राम पंचायत के ग्रामीण और जिसमें गोड़ी के भी सदस्य थे, इस तरीके से जानकारी मिली थी। उसमें राखड़ जो एसडेक बना हुआ है उसके राखड़ के सुखाव के कारण, जिसमें पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं हो रही थी, उस राखड़ का उड़ने के धूल उड़ने के कारण जो गांव में प्रदूषण फैल रहा था, जैसे कुएं में पानी प्रदूषित हो रहा था, उसके संबंध में जानकारी मिली थी। तो जांच के लिए तहसीलदार महोदय और आरआई पटवारी की टीम आई थी। उसमें बैठक में ये हुआ कि जो पानी का निकासी है उसके निराकरण में पानी को चालू करने और संबंधित सीएससीबी के अधिकारी उनके सामने भी बात की गई है कि गांव वाले अपने हड़ताल की मांग इस बात को लेकर रखे थे कि आज से 2 साल पहले कुछ समस्या थी बिजली को लेकर और रोड को लेकर और बेरोजगारी भत्ता को लेकर, उसके लिए भी बात की गई है। तो सभी अधिकारियों के बीच एक मीटिंग रखी जाएगी जिसमें ये निराकरण के लिए बोला गया है कि एक संबंधित सही समय पर मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद में निर्णय लिया जाएगा कि इसके लिए किस तरीके से कदम उठाया जाएगा। एक पंडरी पानी समस्या है, गोढ़ी गांव समस्या ग्रसित है। ओकर अलावा यहाँ बिजली नहीं है, आज 10 साल हो गए सीएसबी लिखत, रोड के समस्या है, पानी के समस्या है और राखड़ इसका उड़ा थे कि घर में खाना पीना सब दिक्कत हो जाते हैं। यहाँ आदमी जो है बेटी बिहार तैयार नहीं है, यहाँ तक के नौबत आ गए हैं। बारात आ है, बारात ही उनके खाना पीना सब खराब हो जाता, सब गाली गलौज करते हैं। ये इसका सब समस्या है, यहाँ रहना बेकार दुभर हो गए। जब तक निराकरण नहीं करें तब तक धरना प्रदर्शन चल ही हमारे गाँव वालों के कहना है। आज कौन कौन अधिकारी मना रही है? आरआई साहब, तहसीलदार साहब मनाए हैं, सीएसबी के अधिकारी मन तो है ही है, एक दो अधिकारी सीएसबी वाला बोल के जाते हैं कि साहब ऊपर उच्च अधिकारी मनकर बात करके निराकरण करवा कोशिश कर दें, लेकिन चाहत नहीं है, खाली ऊपर से बोल के जाते हैं। 2 साल पहले सब लिखित में दे रही है, बड़े बड़े अधिकारी मना के इसने मीटिंग हो रही तो करवा दे, कुछ नहीं हुई 2 सालों में। आप मतलब आवेदन दे देंगे। जो पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है और राखड़ उड़ाते थे कर समस्या है, सड़क के अभी तक हमें कुछ काम नहीं कर रहे हैं। 3 दिन हो गए हड़ताल में बैठे हम, खाली संतावाना दे के जा, आज बात करे बाहर ही नहीं, लेकिन उन्होंने हमारा नहीं सुनी अभी अनसुना कर दी। वहाँ से साहब आएगा, वो जानेगा ऐसे बोल रहे हैं। अभी हड़ताल ही रही है हमारा, मांग पूरा नहीं हुई तब तक। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट।